बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी की अध्यक्षता में प्रदेश के संगठनात्मक तौर पर पहली बड़ी बैठक रही। सर, इस बैठक के अंदर खास तौर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के एक और एडिशन को जो है वो जोड़ा गया है। इसका नाम जो है विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा जो है वो किया गया है। क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? नहीं, देखिए, आज पार्टी के हमारे सभी विधायकगण थे, हमारे पार्टी के सभी सांसदगण थे और सभी हमारे जिलाध्यक्ष थे, जिला के कोऑर्डिनेटर थे और सभी चुनाव लड़े प्रत्याशी थे। बैठ करके एक योजना उसके अंदर बनाई गई है कि जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9.5 वर्षों में, मनोहर लाल जी की सरकार ने 9 वर्षों में जो आम व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए जो योजना बनी है, उस योजना का डायरेक्ट लाभ उन तक पहुँच रहा है। उन सब से इंटरेक्शन करना, बातचीत करना इस यात्रा का उद्देश्य। अगर कोई व्यक्ति इन योजना के लाभ से छूट गया है, उसको लाभ पहुंचाना, उसको योजना के साथ जोड़ना, ये इस विकसित भारत संकल्प जनसंवाद इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। और उसी के तहत ही, क्योंकि जो ये यात्रा चलेगी, एक LED सरकार की योजनाओं को, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, क्या क्या काम किए हैं उनके बारे में बताने काम करेगी। और हमारे वहाँ पर एक प्रमुख व्यक्ति, कोई हमारा सांसद है, कोई विधायक है, हमारा कोई मेयर है या जिला परिषद का चेयरमैन है, ऐसे लोगों को उन कार्यक्रमों के अंदर वो प्रमुखता से रहेंगे। एक वैन एक दिन में 2 कार्यक्रम करेगी। हरियाणा के सभी 6223 पंचायतों को कवर करने का कार्य वो इसके अंदर करेगा। लगभग 50 दिन तक ये कार्य चलेगा और हर गांव के अंदर ये लोगों के साथ मिलकर के उनकी समस्याओं को सुनकर के मौके पर भी समाधान करेंगे। अगर कोई ऐसी समस्या होगी, जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जनसंवाद के अंदर वो लोगों की समस्याओं को सुनकर के करते हैं, तो उनकी एप्लीकेशन लेकर के उसको बाद में डिपार्टमेंट से संबंधित उसको करवाने का कार्य किया जाएगा। संगठन के तौर पर बड़े फेरबदल के र्यूमर्स जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं कि बड़े स्तर पर जो है वो फेरबदल किए जा सकते हैं, महामंत्री बदले जा सकते हैं, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, तमाम संगठनात्मक की जो जिम्मेदारियाँ दी गई थी उसमें अब तब्दीलियाँ जो हैं वो की जा सकती है। कब तक ये तब्दीलियाँ होंगी और क्या इसकी डेट्स जो हैं वो आज ही निकलकर सामने आएंगी, क्या कुछ रहेगा? नहीं, देखिए, ये टीम वर्क का काम है। अभी तो काम चल रहा है, मैं गाँव के जिलों के अंदर जा रहा हूँ, मेरे संपर्क का कार्यक्रम चल रहा है, लोगों से, मैं कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ, आम जन से मिल रहा हूँ और लोग कार्यकर्ताओं का भी बड़ा जोश देखने को मिल रहा है, आम जन का बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है और जब चर्चा होगी तो आपको ज़रूर बताएंगे। विपक्षी दल कांग्रेस का यदि हम जिक्र करें, खास तौर पर उनकी तरफ से लगातार डिजिटलाइजेशन जिसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसके ऊपर परिवार पहचान पत्र, उसके ऊपर बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो जन आक्रोश रैली जो है वो निकाली जा रही है। कई मरतबा किसानों का भी नाम जो है वो उसमें उठाया जाता है कि किसानों को उचित मुआवजा जो है वो नहीं दिया जा रहा, किसानों को MSP की गारंटी जरूर, MSP पर जो है वो उनका अनाज जो है वो खरीदा नहीं जा रहा। देखिए, जितना मुआवजा अगर किसान की फसल का खराबा हुआ है, कांग्रेस ये जितना उन्होंने 10 वर्षों के अंदर दिया, उससे 4 गुना मनोहर लाल जी की सरकार ने, अगर किसान की फसल का खराबा हुआ है, मनोहर लाल जी ने किसान के खाते के अंदर उसकी जेब में पहुंचाने का काम किया है। और कांग्रेस के समय के अंदर ये मालूम है कांग्रेस के नेताओं को, वो किसान की धान और गेहूँ MSP पर यही खरीदते थे, कोई फसल नहीं खरीदते थे, उनको मालूम है। आप भी उनसे पूछ सकते हैं, भी आपके समय के अंदर वो भी केंद्र खरीदता था, प्रदेश नहीं खरीदता था। परंतु मनोहर लाल जी ने आकर के 14 अन्य किसान की फसलें भी MSP पर खरीदने का काम किया ताकि किसान को खुशहाल किया जाए। और ऐसा हमारा सब्जी का किसान, उसको भावांतर, अगर उसको नुकसान होता है, भावांतर भरपाई देने का काम किया है। और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं बिना पर्ची के, बिना खर्चे के। अगर वो रोजगार की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के समय के अंदर क्या हालात थे, कितना रोजगार उन्होंने दिया, कितना इन 9 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी ने दिया, जमीन आसमान का अंतर है। उनके समय के अंदर एक नौकरी पाने के लिए गरीब व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता था। अगर किसी को नौकरी चाहिए होती थी, इतना भ्रष्टाचार होता था कि उसे जमीन तक बेचनी पड़ती थी। परंतु मनोहर लाल जी ने इस प्रकार का सिस्टम दिया कि आज युवाओं की सुनी और युवा को बिना पर्ची, बिना खर्चे के रोजगार देने का काम किया और कांग्रेस से ज़्यादा रोजगार दिया। आप उसका बिल्कुल आंकड़ों के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, आप लोगों को मालूम होना चाहिए
कि कांग्रेस के समय में क्या हालात थे, मनोहर लाल जी के समय में आज किस प्रकार से युवाओं का विश्वास बढ़ा है, और कांग्रेस के समय के अंदर युवाओं का विश्वास खो चुके थे कि हमें नौकरी पढ़ने से नहीं, हमें तो कहीं चक्कर काटने से मिलेगी, परंतु आज युवाओं का जो विश्वास बढ़ा है, आज मैं देखता हूँ मेरे को युवा भी मिलता है एक बात बोलता है कि जो ये सिस्टम मनोहर लाल जी ने बनाया, आपकी सरकार ने बनाया है, उसका हम धन्यवाद करते हैं कि आज एक गरीब का बेटा भी हरियाणा सरकार में SC/ST अधिकारी लग जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा जो है वो उसको लेकर रूपरेखा तैयार की गई है, तमाम नेताओं की इसमें ड्यूटीज़ जो हैं वो लगाई जाएंगी, ताकि हर प्रोग्राम में यानी कि प्रत्येक दिन दो कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए जाएंगे, और उन दोनों ही कार्यक्रमों के अंदर वरिष्ठ नेता जो हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे, ताकि तमाम चीज़ें जो है वो सुचारू रूप से चले। पंचकुला से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।